तुम्हारी कई लोगों ने क्या क्या आंटी हमारा अंकल के लिए कोई बात करे वो तेरे को कोई बात ही नहीं होती, सारी बातें मैं ही करता रही। चले हाँ देख ला पहले तो यहाँ दादी है कि पहले सलाम दुआ कर ही ली फिर लोग अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप सब लोग। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों के काफ़ी लोगों के मशवरे पे ये देखे अब हमने इनको घर में यूज़ करना शुरू कर लिया, इसी में चाय पियेंगे। एक तो ज़रा चाय इसमें थोड़ी कम आती है, दूसरा चलो और अम्मी अब्बू की याद आ जाती है। एक कप रख लेंगे संभाल के बाकी यूज करें। सॉसर का तो सॉसर तो मैं यूज ही नहीं करती सारे ना, वी शुड यूज सॉसर बाकी थोड़े टुकड़े मैं अज हैगा सैटरडे ते मेरा ख्याल तो तेरा तो जिम नहीं अज है ना मेरा मैं थोड़ा रनिंग अच स्किपिंग कर लूँगा रनिंग कर लूँगा तो फिर उस बाद वॉक तो कुछ करना जिदा कल गए है ना। नहीं अगर नहीं जान करनी स्किपिंग रनिंग वी कैन गो जस्ट फॉर वॉक, अरे वॉक ले जा सकते हैं ਵੀ ਸਕਿਪਿੰਗ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਟੱਪਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਚੱਲ ਕਸਮ ਤਾਂ ਲਾਇਬਾ ਹੁਣੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕਸਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਇਹਨੇ ਚਲੋ ਸੈਟਰਡੇ ਆ ਥੋੜੀ ਕਰ ਲਾ ਤੂੰ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਮੇਰੀ ਟਾਂਗ ਮੇ ਤਕਲੀਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਹੀਂ ਰਨਿੰਗ ਨਾ ਕਰ ਉਹ ਬਾਕਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਕਰ ਲਾ 5 ਡੇਸ ਇਸ ਇਨਫ ਫॉर ਮੀ ਦੈਨ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਲਾਂਡਰੀ ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਕੁਕ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਲਾਂਡਰੀ ਟੂ ਨਾ ਬਸ ਇਹ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਲਾਂਡਰੀ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਲਾਂਡਰੀ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਲਾਂਡਰੀ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਲਾਂਡਰੀ ਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਕੋ ਤੇ ਆ ਆ ਇੱਕ ਰੋਬਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਰਨਿੰਗ ਵਾਲਾ ਔਰ ਲੋਅਰ ਔਰ ਪਾਇਆ ਬਸ ਆਪਣੀ ਲਾਂਡਰੀ ਕਿਹੜੀ ਐ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਦਿਨ ਚ ਤੇ ਫਿਰ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਯੂਟਿਊਬ ਕੁਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀਕਐਂਡ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਅਗਰ ਕੁਕਿੰਗ ਨਾ ਹੋਏ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪਾਈ ਰਹਾਂਗੀ ਪਰ ਕੱਲ ਵੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਗਾਂਟੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਰੋਬ ਜਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਗਰ ਆਪ ਪਹਿਨੇ ਤਾਂ लेकिन वैसे भी कंफर्टेबल होता है ना घर में सब घूम फिर रहे हैं तो आपको वरी नहीं आपने क्या पहना हुआ है क्या नहीं तो आप फिर ऊपर से रोब पहन ले तो आसानी रहती है। मेन पर्पज तो यही कहते ना ठंड जी घर लगती है तो हम घर चोर की पवे स्वेटर पहनने से अच्छा ये पहन लो पूरा ढका रहता है कंबल नहीं लेना पड़ता जब मैं सोफे पे बैठ कुकी खा ले कुकी तेन पता मिठा करेगा मेरी चलती मैं मिठा घट नहीं खाना लेकिन कल तू बनाया है तो अच्छे है रंग बिरंगे तो नजर आ रहे हो हाँ आधे से ज्यादा तो खा गए ये रात को बहुत आसान थे आप लोग बजा के बनाए बच्चों के लिए फ्रेश कुकीज घर में और डेकोरेशन पे उनको लगा दे टाइम पास हो जाएगा उनका। और कोई बात करने वाली है कर लो कोई नहीं तो मेरा कैमरा भी खाऊंगा बैटरी जाया ना करा मैं मसलन की बात भी एक बात वो गल असि भूल भी जाते कई लोगों ने कहा कि आंटी कुछ बताया अंकल के बारे में मैं चला गया उठ के मसलन क्या बताऊं आपको अंकल कोई भी चंगा मंदा जो भी तू बता सकती है तो कुछ चंगा तो अभी है गन पॉइंट पे बिठा के नहीं गन पॉइंट में तभी तो कह रहा हूं मैं इसको चला जाना दो जो बात है मेरे पास इतनी लंबी बातें होती नहीं वैसे बातें तेरे को नहीं होंदी लंबी उदा तू बड़ी लंबी लंबी छड़ दी मसलन बाकी सही बातें तेरे को नहीं होंदी मसलन क्या बात भाई बात बंदा करता है तो लंबी थोड़ी हो ही जाती है ना ये तो नहीं कि नटशेल में दो लफ्जों में कोई तुमने एग्जाम का ऐसे जो लिखा हुआ कि एक पेज से ज्यादा ना हो ऐसा तो नहीं है ना नहीं ऐसा तो नहीं बट
होता है कि पापा जैद को पूरा वो बनाना आता है, मुझे नहीं आता, मैं बस उतनी मेरी बात मुझे समझ में नहीं आती मैं कैसे करूं। मैं हमेशा एग्जाम दे विच एक्स्ट्रा पेपर कीम देंदे लिखने वाली कीम देंदे दे। एक्स्ट्रा पेपर लेना होता सी जब मैं लिखता होता सी। यार सो इमेजिन करें मैं अपना पेपर ही खाली छोड़ के आ जाती थी। टू द पॉइंट जनरल बातें कोई भी आपकी लाइफ की आज 32 साल होने को है तो कुछ मैं तो बताता रहता हूँ। वो कहते मम्मा जैद जो वो भी तो आपने क्या बताया मेरे बारे में। मैं तो जिन्नी सारी बुराइयां सारी दसियां तेरी वो तो रोज लोग तो हर वीडियो में रोज तो फिर रोज ही मुझे भी आपके साथ ही देखते हैं इसका क्या मतलब हुआ। आपने बता दिया तो मैं भी मेरे मुझे भी रोज ही देखते हैं मैं भी रोज की रोज ही सुना देती हूँ। अब अलग से क्या बताऊं मैं अलग से क्या बताऊं। आप ऐसा कीजिए आप कमेंट करें कि आपको पापा जैद के बारे में क्या अच्छाइयां सुननी है बुराइयां सुननी है या और अब ये कौन बेचारा कोई ऐसे तो कोई कहेगा नहीं हमको बुराइयां बताओ जनरल बात जब का मकसद ये था कि बंदे का बिहेवियर है बंदे कैसे लाइफ स्टाइल था कैसे लाइफ गुजरी पहले क्या थे अब क्या है क्या चेंजिंग आई गई है कितने शादी गए ये चीजें यही होती है सुनना लोग चाहते और क्या सुनना। चेंजेस तो जैद में बहुत आई जैद बहुत गुस्से वाले थे पहले बहुत ज्यादा शदीद गुस्से वाले चेंजेस तो बहुत ज्यादा आई है जैद में इस हिसाब से गुस्से के हिसाब से। लेकिन ये है कि वो इनका टोन है बहुत हाई टोन में बात करते हैं उजैर की भी वही आदत है जैसे जैद की आदत है। तो अगर कोई और हमारे पास से गुजर रहा था तो ये समझता है कि शायद हम लड़ते हुए जा रहे और एग्रेसिव टोन है बहुत ज्यादा तो ऐसा फील होता है कि रूडली बात कर रहे हैं ये है जैद का अदरवाइज। लेकिन जैसे घर में काम का हेल्प करना वो शुरू से ही करते हैं जैद और बाहर के काम मुझे कभी नहीं करने दिए जैसे स्नो साफ करना घास काटना ये भी नहीं शुरू घास खाना। हाँ जैद खुद खाते हैं ना तो इसलिए खुद ही काटते हैं। फिर अब तो हर जैद भी नहीं काटते क्योंकि होते नहीं है यहाँ पे तो फिर मैंने वो घास वाले लगाए सर्विस कॉल। अच्छा यही रखो वो रखा हुआ है स्नो के लिए भी मैं तो चलो स्नो के लिए तो अभी उसामा उजार कर लेते हैं वीडियो मतलब इतनी ज्यादा अब स्नो रही भी नहीं है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अब स्नो इतनी ज्यादा कम होगी। पहले इतनी स्नो पड़ती थी जब हम आए थे यहाँ पे बहुत ज्यादा स्नो पड़ती थी इस वक्त ढेर लगे होते थे लेकिन लास्ट ईयर भी सिर्फ बेरली 3 दफा स्नो साफ करनी पड़ी 3 या 4 दफा। तो ये है कि बाहर के काम नहीं करती हूँ लेकिन अब जाहिर नहीं होते जैद तो फिर मैं ही कर रही होती हूँ सो वो भी नहीं है कि जब यहाँ होते थे तो नहीं करती थी लेकिन अब सारे मैं करती हूँ। रिसाइकल वाला गार्बेज रखना रिसाइकल करना ये सारे वो तो सारे अब जैद हैं तो जैद कर रहे हैं लेकिन नहीं होते तो फिर उसामा की ड्यूटी होती है लेकिन उसामा कहता है मुझे याद कराएं आपके गार्बेज डे रिसाइकल याद मैं नहीं कराऊंगी खुद से करना करो याद बात मैं किसी को नहीं करवा रही हूँ कि ये डे। तो अगर वो रख देता है नहीं रखता है तो मैं खुद जाके रख लेती हूँ मेरी आदत नहीं है डिपेंड करना किसी पे ना मैं ऐसी अब आदत नहीं रही कि मैं डिपेंड करूँ किसी पे कोई भी हो चाहे वो जहर हो चाहे बच्चे हो मैं डिपेंड नहीं करती मैं अपना काम खुद करने की आदत है और मैं और वो उसमें भी जैद का ही हाथ है क्योंकि शुरू में जैद ने कहा गाड़ी जबरदस्ती यहाँ पे से तो वो सारी ये चीजें पीछे से जाहिर है जैद की हेल्प की वजह से ही हुई है। उस वक्त जाहिर मुझे गुस्सा चढ़ता था कि क्यों मुझे करना पड़ा लेकिन अब पता चला कि वो ये सब किया हुआ अभी मेरे काम आ रहा है और आगे भी इंशाल्लाह आएगा क्योंकि इससे मैं बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट हो गई। और इसी तरह हम लोग लाइबा को देखना चाहते हैं हम नहीं चाहते कि वो बाप की डिपेंडेंट हो भाइयों की हो या किसी अपने आगे अपने शोहर की हो तो खुद से इंडिविजुअल अपना वो करे जो बंदा करता है ना तो वो उसका उसकी बात ही कुछ और होती है। तो ये सारी फैमिली सपोर्ट के साथ ही होता है लेडीज के लिए करना अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाता है कई लेडीज के लिए कहना कि ओ हम तो इतना काम नहीं कर सकते तो फिर उनके शोहरों के लिए भी मुश्किल हो जाती है ना फिर वो काम से आए फिर उन्हें ग्रॉसरी पे लेके जाए। तो आप इस तरह से अपने घर में हेल्प कर सकती हैं के ग्रोसरी कर लें और इस तरह के काम कर लें जब आपके हस्बैंड के पास जॉब के बाद आए तो उनके पास टाइम हो फैमिली के पास स्पेंड करने का तो ये हेल्प हो जाती है। थोड़ा सा मुश्किल तो लगता है लेकिन फिर बाद में आप देखें फ्यूचर में आपको आसानी हो जाएगी घर वालों को भी आसानी हो जाएगी। तो उसमें ये है कि ये बात याद है मैं बोला मेरे दोस्त हैं उनको पता लग जाएगा जब वीडियो देखें यदि वो आज भी
उसकी वाइफ इंतजार कर रही होती दरवाजे पे, वो जॉब से शख्स आता है, जैसे आया अब ये घर में भी नहीं रुकेगा, से आए हो सारा दिन की मेहनत मुशक्कत काम काज भागकर घर में एंट्री से पहले वाइफ पहले उसके तैयार होती दरवाजे पे, वहीं से उसको लेके अभी ग्रोसरी करनी है, करके आके ग्रोसरी और फिर वो बंदा घर में, और आज उसको यही हमारे साथ के आए हुए, मैं एक दिन भी ग्रोसरी नहीं की मैंने, कुछ काम जो मैंने जो जिनको मैं नहीं समझता या मैं नहीं कर सकता फिर मैं नहीं करता हूँ, उसमें कुछ भी हो जाए बज़ाहिर फिर कोऑपरेशन तो घर वालों का होता ही है। अब ग्रोसरी है, मुझे अगर आज ये आसपा भेज देने के जाए वॉलमार्ट से फलाने से फलानी वाली चीज़ लो, तो मैं यकीन करें वो मैं ढूंढता ही रहना उसके अंदर घूमते रहना, मुझे ये नहीं पता लगेगा कि किस वाली आयल में होगी, कहाँ से मिलेगी, क्या होगी, क्योंकि मैं कभी गया नहीं, ये नहीं तो मिल नहीं सकती, लिखे हुए हैं नाम सब कुछ उन्होंने, लेकिन बड़ी मुश्किल होती है। तो ये आदत मेरी ये ग्रोसरी की ये शुरू से ही नहीं है, पाकिस्तान में जब थे तो वहाँ तो आपको पता वहाँ का तो सेटअप ऐसा है कि जो मर्द हैं वही बाहर से चीज़ें लाते हैं, जब जिस ज़माने में वाले साहब से वो चौक से ले आए, फिर उसके बाद भाई थे बड़े हुआ ने उन्होंने चौक से ले आना, फिर तो इनको कभी वहाँ तो ये सिस्टम ही नहीं कि खातून जाए चौक पर जाके वहाँ से ख़रीदारी करके, जो घरेलू ख़वातीन है वहाँ भी जो मॉडर्न अभी जो बड़े शहर हैं उनमें तो ख़वातीन जाती हैं औरतें जाती हैं, ऐसा नहीं मैं बात कर रहा हूँ छोटे शहरों की हमारे जैसे शहरों की, तो वहाँ औरतें ज्यादातर वो बाहर इस तरह ये इन चीजों के लिए नहीं निकलती, वैसे निकलती हैं लेकिन ये काम नहीं उनका, तो इस तरह है। तो ये चीजें हैं, तो जैद ने पुश किया कार ड्राइविंग मैंने, लेकिन यहाँ पे मुश्किल था लाइसेंस लेना, लेकिन आते ही सबसे पहले जैद ने वो दिलवाया, फिर जैद तो वो ये है कि जैद की सपोर्ट के बगैर कुछ भी नहीं था, तो जो भी कुछ मैं आज कर रही हूँ तो जाहिर है घर की सपोर्ट जैद की सपोर्ट की वजह से कर रही हूँ, फिर जैद ने कभी ऐसे अननेसेसरली कोई सख्ती नहीं की, पैसे का हिसाब था हमने नहीं रखा कभी, पैसे का हिसाब जैद ने कभी नहीं रखा, ये असल मेन चीज तो उसकी है कि हमने कभी कितने खर्च किए कहाँ खर्च किए कैसे किए कभी पूछा नहीं कि कहाँ खर्च किए कैसे, क्योंकि मैं थोड़ी सी कंजूस तबीयत की वैसे भी, इसीलिए पूछता नहीं इससे पूछने का, तो कंजूस आदमी से क्या पूछना कि पूछने की जरूरत आपको, कंजूस नहीं हूँ लेकिन मैं मतलब वही चीज लेती हूँ जिसकी जरूरत होती है, इवन आज भी चाहे किसी टाइम पे पैसे की कमी होगी शायद कमी होगी या होगा कि खींच के हाथ यूज करूं, लेकिन आज भी मेरा ये है कि अगर मैं किसी चीज में गुजारा कर लूं तो उस जो एक्स्ट्रा पैसे उससे मैं किसी और की हेल्प कर सकती हूं, मेरा ये एम होता है एवरी डे, जब भी उठती हूं कि चलो यहां से बच जाएगा, बच्चों को भी यही, अच्छा बच्चों को भी यही आदत डाली हुई है, अभी कुछ ही दिन पहले घरों में 100 ऊंच नीच हो जाती है, तो उनका सबसे पहला यही होता है कि जो भी पैसे जेब में से निकालो और सबका दे दो, बस सबसे पहले सबका दे दें, उसके बाद फिर बात होगी जो होगी, क्योंकि आपस में पहले अगर आर्गुमेंट करते हैं ऊंचे ऊंचे आर्गुमेंट करके उसके फौरन बाद ये क्योंकि हमारे सख्त आर्गुमेंट आज हुए हैं तो ये सदका, तो चलो ये जहन उनका ऐसा बना हुआ है कि कहीं शुक्र है कि हम कहीं लड़ी नहीं पड़े या ऐसा ना हो कि हम लड़ जाए, तो हर घर में होता है हर बच्चों में होता है, ये तो गलत है अगर हम कहें कि हमारे बच्चे आपस में नहीं बहसते आपस में आर्गुमेंट नहीं होती, ऐसा नहीं होती, हमारे साथ भी होती है बच्चों की आपस में भी होती है, तो वो ऐसे वो चीज नहीं है अनयूजुअल, लेकिन अगर कोई कहे कि हमारे घर में नहीं होती तो वो गलत बयान कर रहे हैं, क्योंकि हर घर में होती है और जहाँ पे दो बर्तन होते हैं वो खड़कते जरूर हैं, और जहाँ पे मोहब्बत होती है वहाँ आर्ग्यूमेंट और सारी चीजें सब चीजें होती है। अपने घर में एक चीज जो बहुत मैं बिल्कुल ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ कि जो चीज बहुत खतरनाक हो जाती है वो शुक्र है हमारे घर में नहीं है, और अगर किसी के जहन में थोड़ी बहुत है भी तो निकाल दे, कि स्पेशली जब शादी होती है बच्चे की वो अब बहू आ गई या दूसरे बहन भाइयों की वो भाभी हो गई, अब लाइबा की भाभी उजैर की भाभी हमारी बहू, तो ये खुदा का शुक्र है कि आप ये देख लें कि मैंने आपस में मियां बीवी की चूचू में छोटी मोटी जो किस घर में नहीं होती कहाँ नहीं होती, वो बेशक होती हो हमारे सामने हमें नहीं पता इस बात का, हमने तो कहा खुदा का था कोई ऐसा इशू हो तो हमको इन्वॉल्व करो हमें बताओ, इस ये ज्वाइंट फैमिली सिस्टम का यही तो एडवांटेज है कि वहाँ सना भी बहुत समझदार है, कभी ऐसी हम तक अभी जो मैं ये झूठ भी ये ना कोई कहे कि ये तो ऐसा हो नहीं सकता झूठ अंदर ऐसा नहीं, हम तक कोई ऐसी बात ऐसी सीरियस बात आज तक चलो आप बताओ कि कभी कोई ऐसी हुई, तो अगर कोई होती है हमें अंदाजा जरूर होता है कि हो जाती है, बस अपने तक खुद ही सॉल्व कर लेते। और दूसरी बात लाइबा सना इनकी कोई ऐसी आर्गुमेंट लड़ाई नहीं उजैर या सना की, ये पाकिस्तान में तो ये आम बात है, ये यहीं से लड़ाइयां शुरू होती हैं, ये देवर हो गया ये जेठ हो गया और ये नंद हो गई, वहां से लड़ाइयां शुरू होती हैं, और इवन माँ बाप भी कई ऐसे होते हैं वो नहीं जरा लिबरल टाइप के ये सख्ती करने वाले हैं, या सख्ती यूं कह लें कि वो अपने
जो देखो उसूल तो मेरे भी बहुत बनाए हुए अपने बच्चों के लिए, सारी उम्र गुजर गई है, हमारे वाले साहब के अपने उसूल थे, उन्होंने हमको उस पर चलाया, हमने अपने बच्चों को उस पर चलाया। लेकिन आप इन किसी जगह पे फिर आपको थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना, आप बहू है, दूसरे की बेटी है, हम अपनी बेटी की तरह समझते हैं, रखते हैं उसको, लेकिन फिर भी वहाँ थोड़ा सा बंदा थोड़ा सा देर होता कि नहीं यार ऐसा ना, मैं अगर अगर बुरी ये चीज़ में कहूँ तो मे भी हर्ट हो या उसको अच्छा ना लगे। और पहली बात तो शुक्र है कि कोई इस किस्म की हमें कोई कंप्लेंट ऐसी है ही नहीं, अल्लाह ऐसे ही रखे, ऐसी जरूरत भी नहीं होती, घर में हर चीज है, हर काम हो जाता है, हो जाता है। ठीक है ना, एक चीज आपसे मैं भूल ना जाऊं, ये भी उसका हिस्सा, क्योंकि फिर लोग सवाल पूछते हैं, अच्छा लोगों को बता रहे। और जहां तक ये उसामा की, अक्सर हालांकि पर्सनल मैटर है, लेकिन अब लोग कहते हैं अंकल ये पर्सनल, आप इसको बार बार अपना पर्सनल, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे हमारे ध्यान में आती पूछते हैं, उसामा सना को ये बिल्कुल फ्रीडम है शुरू से, यानी शादी से पहले से भी, जब एंगेजमेंट की बात हुई, एंगेजमेंट तो हमने एक रस्म में होगी थी, बाकायदा एंगेजमेंट थी भी नहीं, जल्दी शादी कर ली, उस वक्त से हमने ये पूछ लिया था, कह दिया था कि अगर आप अलग रहना चाहते हो अपने घर में, अपना किराए का अपना बाय करके, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, यानी बीइंग ए पेरेंट हमको ये नहीं है कि हम कहें हुए अभी बच्चे की तो शादी भी होगी उधर चल, हम उनमें से नहीं है। हमने कहा बेशक आप जाना चाह रहे, ये उनका अपना डिसीजन था, उन्होंने कहा नहीं जी हम तो अपने माँ बाप के साथ रहना, उसामा भी कर लगा, अब उसके बाद है। आज ये देखें 3 साल से ऊपर हो गए हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये हमने कोई नहीं बांध के रखा हुआ, भाई हम तो नहीं, नहीं, वो जाएंगे इंशाल्लाह, हमारा प्रोग्राम है कि सब अपना अपना घर लेंगे, लेकिन लायबा का मुझे और जैद को था कि वो माशाल्लाह अफोर्ड भी कर सकती है और फिर इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी लेना था उसने, लेकिन मुझे था कि उसके पास अपना जाती घर हो, बिल्कुल उसके बिफोर शादी करने के, तो उसका अपना घर हो, जो कि मेरी भी दिली ख्वाहिश थी कि उसका अपना जगह हो तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो वो हमने इसीलिए उसका किया। अब आगे इंशाल्लाह उसामा भी लेगा, उजैर भी लेगा, और यहाँ पे जो हम लोग रहते हैं, मैं और जैद, ये जो घर मेरा और जैद का है, जाहिर सबका ही है, उसामा लाएगा उजैर का, तो ये लोग रन करते हैं। अब मैं और जैद तो जॉब नहीं करते ना, तो ये तीनों बच्चे चलाते हैं और काफी साल हो गए इनको, 4-5 साल हो गए, ज्यादा ही हो गए, तो जब से मैंने 4 साल तो हो गए, हाँ, जब से जैद ने अपनी रिटायरमेंट ली, जैद की खैर रिटायरमेंट तो खैर 10 साल पहले हो गई थी, लेकिन है ना, चलो वो ठीक है, लेकिन मैंने तकरीबन जब से काम छोड़ा है तकरीबन 4-5 साल हो गए होंगे, तो जब से माशाल्लाह मेरे बच्चे तीनों जो है उसामा लायबा उजैर वो चला रहे हैं, जो भी खर्चे हैं घर के वो अपना रन करते हैं, हम तो कुछ नहीं करते, मैं और जैद तो हम तो वेले हैं, जस्ट वीडियो नहीं, रिटायरमेंट को मैं तस्दीक कर दूं, लोग हैरान हो जाएंगे 10 साल कैसे कह रहे हो, 12 साल 2012 तक तो मैंने ट्रक चला, मतलब अंदाजे से, मैं तो मुझे भी नहीं पता कि 5 साल हुए हैं कि 6 साल चलाई है, वो मैंने वीडियो में भी बताया, तो फिर देखो ना फिर वो कंट्राडिक्शन क्या कहती है, वो दोनों में वो आ जाती है बीच में, ताकि इसलिए बात वही हो, तो चलो सालों का तो बंदा भूल सकता है, मैंने तो फिर टाइम और डे का अंदाजा नहीं है, लेकिन अंदाजे से मैं कह रही हूं 12 में छोड़ी है, 2012 में छोड़ी, तो आप देखें 8 साल तो ट्रकिंग छोड़े हुए हो गए ना, उसके बाद जैसे छोड़ी तो फिर मैंने वो मैं बता चुका हूँ अपनी वीडियो में, फिर मैंने टैक्सी को उसमें मेरा फिर आना जाना पाकिस्तान में, वो 4-5 महीने इधर, 5-6 महीने उधर, 5-6 महीने इधर, 5-6 महीने, तो जाहिर है फिर मेरी अर्निंग वो दोनों ही रिटायरमेंट की लाइफ गुजार रहे हैं, और बस बाकी बच्चे अपना करते हैं जो कर रहे हैं, तो हम लोग अपना वो हमें कहते हैं बस आप घूमे फिरे जाए आए, अब तो पाकिस्तान कोविड है तो क्या, अपने घर अपने उसी उस घर में बैठे हुए हैं, बस किसी को कोई जानने वाले गए हुए थे, तो उनका कल ही मैसेज आया कि उनको कोविड हो गया, हालांकि गए हुए थे 2 वीक्स के लिए, और उनके बच्चा यंग बच्चा है, और उसामा की उसामा से 1-2 साल शायद बड़ा है वो, तो उसको कोविड हो गया, अब देखें कि अब उनको अलाउ करेंगे आने के लिए कि नहीं, आने के लिए नहीं, जब तक ठीक नहीं होगा तो नहीं करेंगे, तो कहने का मकसद ये है कि फैमिली सपोर्ट की वजह विदाउट तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो जाहिर है जैद ने मुझे काफी फ्रीडम दी हुई थी, अब तो खैर क्या दी हुई थी, तो इस वजह से ही जाहिर है मैंने सारे काम किए, जॉबें की और घर को सपोर्ट किया, जो भी किया जैद के साथ मिल के, अदरवाइज अगर जैद की सपोर्ट नहीं होती तो फिर जाहिर है कुछ भी नहीं कर सकती थी, तो अच्छाइयों में तो जाहिर है ये सबसे बड़ी पीछे लग गई, मेरी सपोर्ट दे पीछे लग गई, अब फिर और क्या कहूँ, और कौन सी बात करूँ, और कौन सी बात रह गई ऐसे करने वाली, हाँ ये भी है, मुझे खुद नहीं पता कौन सी बात है, जाहिर बात तो और कैमरा हिल जाता है, स्टैंड थोड़ा लाइट है ना वो हिल जाता, मैं हाथ रखना था, आप इतनी जोर से हाथ नहीं रखे ना,
मतलब सेहतमंद आदमी है, मतलब खाता पीता। वैसे तो तुम रोते रहते हो कि मुझे ये हो गया, मुझे ये हो गया, मुझे ये हो गया। बोलना और बोलना जरा बोलना। तो ये है आप लोगों का, सबका क्वेश्चन ये था कि लाया मैंने घर के लिए, तो अब आपको वजह भी पता चल गई। पहले भी बताई है मैंने, बताई एक वीडियो में हमने बताई है कि सबका प्लान इसलिए कि अपना अपना प्लान है। देखें इससे घर से पैसे भी आपके बनते हैं, इन्वेस्टमेंट भी है, प्लस फ्यूचर में भी आपके ये काम आता है, आने वाली चीज़ है और कारोबार है, बिजनेस है। तो अभी नेक्स्ट उसका इंशाल्लाह उसामा का प्रोग्राम होगा। तो मतलब कहने का कि उसामा के लिए कम से कम ये क्लियर हो सबको कि हमारी तरफ से कोई शुरू से भी नहीं थी, आज भी नहीं है, जब मर्जी वो अपना प्लान करें। देखिए आजकल आप बच्चों किसी को रोक तो सकते नहीं है। नहीं नहीं तो आप लोग कैसे अज्यूम कर लेंगे कि हमने नहीं रोका, जो फोर्सली रुकते हैं बच्चे आजकल के, वो भी बाहर के मुल्कों के बच्चे। आजकल तो पाकिस्तान में शादी करते हैं और अलग हो जाते हैं मिनटों सेकंडों में, तो प्राइवेसी चाहिए होती, तो उनको वो अपना जब मर्जी चाहे चले जाए। और हम लोग खुशी से जैसे लायबा का लिया, खुशी से उनका भी घर लेंगे वैसे ही जैसे लायबा का लिया। तो उसमें वो उसकी आप परेशानी ना करें कि हमने उन्हें जबरदस्ती नहीं रखा हुआ। जबरदस्ती कोई किसी को नहीं रोक सकता, ये याद रखें, चाहे वो आपका बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे बहू हो, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, जो कोई जबरदस्ती किसी के साथ नहीं रह सकता। तो ये तो हस्बैंड वाइफ तो जबरदस्ती मजबूरी नहीं, नहीं, नहीं जबरदस्ती की तो आजकल नहीं रह रहे। नहीं मैं तो जबरदस्ती नहीं रह रही, तुम्हारी तुम रह रहे तो बता दो ना, मजबूरी रह रही है ना, मैं पाकिस्तान नहीं जाना। अब पाकिस्तान तो अगर जाना है तुमने, पाकिस्तान के रोने तुम्हारे कौन सुनेगा। मैं तो कहता तू इस मरतब मेरे नाल पाकिस्तान चल, दोनों घूमे भी फिरेंगे, मौज ऐश करेंगे और क्या। और अगर कोविड है तो क्या, अगर अपने घर दे विच क्वारंटीन सब नु कह देंगे खबरदार इतने क्वारंटीन चल रहा है, किसी नु आउण दी लोड़ नहीं, कि कोई पकाओ खाओ। एक दोस्त बेचारा काम नहीं लगा, उन्हें चीना सब्जी भाजी उनको बाहरों लैके दरवाजे से छड़ जाए कर, और दरवाजे च वट्टा मार के चला गया वापस, असि अपनी ग्रोसरी अंदर कर ली। बस प्रोग्राम तो यही है, लास्ट ईयर भी मेरा था जाने का, तो अभी तक देखे तो अब देखें कि क्या सख्ती, यहाँ तो सख्ती इतनी बढ़ाते जा रहे हैं। अब जनवरी 4 तक यहाँ पे लॉकडाउन है, और उसके बाद दूसरे जो करीब करीब के सिटीज हैं उसमें भी सुना है कि वो लॉकडाउन शुरू हो गया है, काफी सख्ती कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि वैक्सीन आ गई। अब ये चाहते हैं कि हॉस्पिटल्स में रश ना हो, लोग वेट करें, वन बाय वन जाएं। तो चलें कोविड के साथ साथ इंशाल्लाह उम्मीद तो है मेरी, मेरा यही है कि मैं जैद के साथ जाऊं, एक तरफ से साथ जाऊं और एक तरफ से मतलब अकेले आ जाएं, ये दोनों का प्लान तो यही है। लेकिन देखें कि बनता क्या, जब जाने का टाइम आएगा, फिर अब बेबी आने वाली है तो बेबी को कितनी ज़रूरत है क्या है, तो उस हिसाब से फिर इंशाल्लाह हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे कि क्या करना है। इस वक्त साथ जाना चाहिए या वापसी में साथ, उस वक्त जाऊँ जब जैद वापस आ रहे हो 2-3 महीने बाद, तो ये डिपेंड ऑल डिपेंड करता है कोविड पे और बेबी के आने पे, कि बेबी के आने के बाद सिचुएशन क्या होती है, चले जी ये फिर बड़ी लंबी, इसको इस पे बंद कर देता हूँ, फिर उसके बाद दूसरी शुरू कर देते हैं। बैठे हुए हैं बातें कर रहे हैं, क्या दूसरी क्या शुरू कर देते हैं, कोई भी और कोई टॉपिक शेयर ले लेते हैं क्या, क्योंकि फिर ये वीडियो बहुत लंबी हो जानी।